में ओझा हम तार गए जमाना में फोन के सुविधा
रिश्तेदार नहीं छे तैं अपन पति के चिट्ठी लिख कर अपन पत्नी कही छिन असमंजस में इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए और इस अवसर पर सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था यूएन की तरफ से और उसमें उन संस्कृतियों का सर्वे किया गया जो संस्कृतियां लंबे समय से इस तकनीकी के प्रभाव में कितनी बची हैं और कितनी विलुप्त हो गई हैं। तो जब इस तरह की बातें आती तो उसमें यूएन ने जो कुछ चीजों को कुछ संस्कृतियों को पाया कि तकनीकी का जो अभी जो प्रवाह चल रहा है जिस तरीके से तकनीक जिस तरह से कॉस्मोपोलिटन संस्कृति की तरफ बड़े शहर बढ़ रहे हैं युवा तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसे पाया गया कि सबसे जो संरक्षित संस्कृतियां हैं उसमें मिथिला संस्कृति है क्योंकि तो उसकी जो भाषा उसकी जो संस्कृति उसके जो कल्चर उसके जो विशेषताएं हैं उसकी जो छोटी छोटी बातें हैं कहीं भी मिथिला से जाते हैं चाहे विदेश हो चाहे देश हो उन चीजों को संरक्षित करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। मैं आजकल यहाँ पदस्थ नहीं हूँ, संयोग से मैं आया था। मुझे पता चला कि मिथिला संस्कृति कार्यक्रम में किसी और कार्यक्रम में था तो मुझे लगा कि नहीं कुछ देर के लिए ही सही तो कुछ भी लोग बचे हों तो मुलाकात होगी कुछ देर इसमें आपसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हम जानते हैं कि जो एक प्राचीन बड़ी ऐतिहासिक समृद्ध संस्कृति है शंकराचार्य पूरे हिंदुस्तान में जब शस्त्रार्थ करते हुए पूरे भारत में जब वो गए और उस चारक उनकी विद्वता को उनकी महनीयता को उनकी तर्क शक्ति को कोई चैलेंज करे कोई चुनौती दे उसको कोई शस्त्रार्थ करे तो अंततः वो चुनौती उन्हें मिथिला में मिली जहाँ कुमारी भट्ट और मंडल मिश्र जैसे विद्वान थे और उन्होंने जो वैशेषिक संस्कृति है जो न्याय संस्कृति है दर्शन है उसमें उन्होंने उस मिथिला संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जानते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो हमारे बड़े शिक्षक थे प्रिय शिक्षक थे उन सब लोग जाते थे कि मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं कि आपकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है। हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे, बीच में थे
दोनों पता है कि सबसे जो मुझे अच्छी पुस्तक लगी है वो हरिमोहन झा की खट्टर काका लगी। आप लोगों से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, निराश लोगों ने पढ़ी होगी, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तर्क शक्ति के साथ, जिस तरह विनोद के साथ, तर्क संगत ढंग से सारी बातों को रखा गया है, वो भी मिसाल है। ऐसे बहुत कम साहित्य कम भाषाओं में उपलब्ध है। मिथिला की विशेषता है कि बड़े चुटिले अंदाज में बड़ी गहरी बात सही जगह तक पहुंचा दी जाती है, और उसका एक बड़ा ही मानक मापदंड, मानक साहित्य मानक मैं मानता हूँ, हरिमोहन झा जैसे जो हैं, जो कि जिनका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, उस तरह का साहित्य बड़ा मायने रखता है। चाहे संस्कृति की बात हो, साहित्य की बात हो, कला की बात हो, मधुबनी व्यक्ति की बात हो, ये चीजें जहाँ भी हैं, इसका कारण ये है कि जब मिथिला से हम कोई बाहर जाते हैं, मिथिला से कोई बाहर, चाहे लंदन में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे कलकत्ता में हो, चाहे उन चीजों को, उन मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो अच्छी बातें हैं, लोक संस्कृति की बात हो, कहा जाता है कि जितने हर मौसम के हिसाब से, हर सीजन के हिसाब से, जितने मिथिला में जिस तरीके के पर्व त्योहार है, जितने संगीत है, जितने गीत हैं, हर पर्व त्योहार फसल कटने पर जिस तरीके की वहाँ पे लोक संस्कृति में उसको मनाने का जो जोश है, वो कम संस्कृति के रूप में। तो मुख्य तौर पे जो लोक कला है, जो लोक संस्कृति है, वो एक दुनिया में बड़ा ही अलग महत्व रखती है दुनिया के विश्व पटल पे। और मुझे अच्छा लगा, चले ही थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जितना भी कार्यक्रम का शेष होगा, जितने भी आप लोगों से मुलाकात होगी, और उनका इस आयोजन दौर में, आयोजन में चल रहा है अंतिम पड़ाव पर, आयोजन का अस्ताचल होने वाला है, इस दौरान ही सही, आप सही इस दौरान ही सही, इस मौके पर ही सही, मैं आपको बधाई हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही साहब गीत संगीत के दुनिया में हम पुनः चले, गीत संगीत के दुनिया में आगा बढ़े। अभिनंदन करै छी अपने समस्त मैथिल समाज के, माता भाई बहन लोगन के प्रणाम करै छी। और ए उत्सव पर हम अगला कहब चाहब जेकर नाम है राष्ट्रीय मिथिला महोत्सव। भारतक नामक जो राष्ट्र छै ताहि मे मिथिला के महोत्सव, देखो मिथिला के तौर ओ मिथिला हेरायल अछि, ओहि मिथिला के मैथिली के मगहिया सत्ता द्वारा दबा कर रखबाक प्रयास कयल जाइत अछि। जनकपुर में एक मंदिर के सामने में लिखल छै, रघुनाथस्य या माता पति लोके गदाभूषा, जानक्या धरा माता निश्चला मम वाहिका। भगवान राम के माय कौशल्या तब मृत्यु के बाद में पति के स्वर्ग लोक में चल गेलनि, सीता की माता धरती अनंत काल धरि रहती, जा धरि प्रकृति रहत संसार। तैं मिथिला अविभाज्य ओहि संस्कृति के दूटा मैथिली भेटल छै, एकटा धरती पुत्री मैथिली माता सीता, और दोसर ओहि क्षेत्रक भाषा मैथिली। हमरा सबके पहचान अछि मैथिली, जहन मैथिली भेटल तखने हमसब मिथिलावासी आयब। तैं एखने से हमसब आदत लगाबी जे जाहि बिहारी संस्कृति के अंदर में, जाहि बिहारी पहचान के अंदर में, जे एकटा भारत में रिवेन्यू स्टेट के रूप में आयल छलै, कोनो ज्योग्राफिकल स्टेट नहि छै मिथिला।
गोरी दे हमारा पर ध्यान, गोरी दे हमारा पर ध्यान। इना हाथ से जो पैसा काले तो सब है, दो ताली के साथ। गोरी दे हमारा पर ध्यान, तो कान गोरी दे साथ। Let's go.
Let's go.
जते गोटे बैसल छे ओ सब गोटे सुन के जाय के देवा ने जाना छी कार्यक्रम के समाप्त हो के जाय सब गोटे अक्सर होय छी कि आप समापन छै त निकल गेला कि हम चाहब जते गोटे छी से सब गोटे समापन हो के जाय हे जत देखै छी ओ तय बिहार Oh,
Wow.
मातृशक्ति के सम्मान करी मातृशक्ति के।